गैर जनपदों से परीक्षा देने आए पिट परीक्षार्थियों की मदद के लिए सीतापुर के विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने न कि रहने का उचित बंदोबस्त किया बल्कि सभी परीक्षार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था की। संगठन कार्यकर्ताओं को जैसे ही जानकारी हुई कि परीक्षार्थियों के सामने रहने और खाने की दिक्कतें आ रही हैं, वैसे ही उन्होंने शहर के स्टेशन रोड विश्व हिंदू परिषद कार्यालय, रेलवे स्टेशन रोड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, नेपालापुर स्थित माता रानी मंदिर, आरएमपी इंटर कॉलेज परिसर स्थित शिव मंदिर, इनकम टैक्स कॉलोनी स्थित शिव मंदिर, आर्य नगर स्थित सीताराम मंदिर, काशीराम कॉलोनी स्थित रामलला मंदिर और सदर बाजार स्थित गेस्ट हाउस में परीक्षार्थियों को ले जाकर ठहराया एवं दोनों वक्त के लिए भोजन व जलपान की व्यवस्था की। विभागाध्यक्ष विपुल सिंह ने आई इंडिया को जानकारी देते हुए बताया। हमारे यहाँ देखा, यहाँ व्यवस्था खराब है, सारे बच्चे रोड पे फुटपाथ पे लेटे हुए हैं, तो संगठन द्वारा तुरंत व्यवस्था की कि तत्काल प्याऊ लगाया गया और भोजन और रहने की व्यवस्था, करीब 2.5 से 3 हजार बच्चों के रहने की व्यवस्था और 5 हजार प्लस भोजन की व्यवस्था हम संगठन द्वारा की गई है, सबको भोजन किया जाएगा। शाम तक जब तक पेपर छूटेगा तब तक सारे भोजन की व्यवस्था रहेगी। बजरंग दलावत प्रांत सह संयोजक उत्तम सिंह ने बताया कि रविवार को सुबह से ही भंडारा शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि देर शाम तक परीक्षार्थी भंडारे में आते रहे। उन्होंने बताया कि करीब 5000 परीक्षार्थियों ने रात्रि विश्राम किया और भंडारे में लगभग 6000 परीक्षार्थियों ने भोजन ग्रहण किया। व्यवस्था में नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद प्रमोद सिंह, कमलेश सिंह, संदीप सक्सेना, सूरज, साहिल ठाकुर, बबलू, त्रिपुरेश शुक्ला, संदीप आदि का विशेष योगदान रहा। नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद प्रमोद सिंह ने आई इंडिया को जानकारी दी। कल अचानक विश्व हिंदू परिषद अपने कार्यालय पे बैठा हुआ था, बच्चों को बाहर जाने के बाद काफी समस्याएं नजर आई। हम लोगों ने एक ऐसा अभियान चलाया कि कल से लेके आज तक शहर में कम से कम 8-9 जगहों पर रुकने की व्यवस्था हम लोगों ने अपने तौर तरीके से कराई, जिसमें हमारे जिला के जिलाध्यक्ष, जिला की सारी कमेटी लगी थी और उनको कल से आज तक के जलपान और खाने की भी व्यवस्था भी हिंदू परिषद कार्यालय पे कराई गई। दूर दराज से आए थे, फुटपाथ पे लेटे थे, हल्की ठंड थी, साथ में बहनें थी, माताएं थी, परेशानियों को देख करके ऐसा मुहिम भी हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा चलाया गया, जिसमें हम शहर के तमाम ठिकाने, सदर में एक हमारा ठिकाना था, एक हमारा लाल कुर्ती में ठिकाना था, एक नेपालापुर में, काशीराम कॉलोनी में और बजरंग बली वाला मंदिर रेलवे स्टेशन पे, ऐसे ठिकानों पे हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं सोने की बनाई और उसमें कम से कम 2.5 से 3 हजार तक बच्चों की सोने की व्यवस्था हम लोगों ने रात में की थी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।